21 सितंबर यानी आज बॉक्स ऑफिस पर दो तरह की फिल्में रिलीज हुई हैं, बत्ती गुल मीटर चालू और मंटो। दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बेहद अलग हैं। एक तरफ बत्ती गुल मीटर चालू बिजली बिल के गंभीर मुद्दे पर की कहानी है, तो वहीं मंटो एक लेखक की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। अब आप अगर इस हफ्ते दोनों ही फिल्मों में से किसी एक को देखने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं और बता देते हैं यही कि कौन सी फिल्म होगी पैसा वसूल और किसे देखना होगा फिजूल। सबसे पहले बात करेंगे बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म की। फिल्म की कहानी तीन दोस्त सुशील कुमार पंत उर्फ एसके, शाहिद कपूर, ललिता नौटियाल उर्फ नौटी, श्रद्धा कपूर और सुंदर मोहन त्रिपाठी त्रिवेंद्र शर्मा से जुड़ी है। ये तीनों टिहरी में रहते हैं। फिल्म में शाहिद का किरदार चालू वकील का है, जो लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने का काम करते हैं। वहीं फिल्म में श्रद्धा कपूर फैशन डिजाइनर बनी हुई हैं और त्रिपाठी यानी त्रिवेंद्र शर्मा ने फिल्म में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई है। फिल्म में दर्शाया गया है कि उत्तराखंड में बिजली की समस्या गंभीर स्थिति में है। वहां ज्यादातर बिजली कटौती होती हुई दिखाई गई है। इन हालातों में भी सुंदर मोहन त्रिपाठी की फैक्ट्री के बिजली का बिल हमेशा ज्यादा ही आता है और एक बार 54 लाख बिल आ जाता है। इसकी शिकायत कराने वो थाने में जाते हैं, लेकिन वहां उनकी कोई नहीं सुनता। लाख कोशिशों के बाद भी असफल होने पर वो खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। दोस्त की मौत का एसके को जोरदार झटका लगता है। वो अपने दोस्त का केस लड़ने का फैसला करते हैं। केस में एसके की जुरह वकील गुलनार यानी यामी गौतम से होती है। इस कोर्ट के पूरे ड्रामे के बाद एक फैसला आता है जिसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के गाने और डायलॉग जबरदस्त हैं। फिल्म में शाहिद कपूर की एक्टिंग धमाकेदार है। वो अपने किरदार में एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। श्रद्धा कपूर अपने सहज अभिनय से दर्शकों को बांधे रखती हैं। वहीं बात करें यामी गौतम की, तो वो फिल्म में भले ही थोड़ी देर के लिए दिखाई दी, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही फिल्म कुछ जगहों पर कमजोर भी साबित होती नजर आएगी। वही बात करें फिल्म मंटो की, तो मंटो एक ऐसी कहानी है जिनकी कहानियों में सच्चाई को वैसे ही परोस दिया जाता है जैसे कि वो हैं। उनकी कहानियों में समाज के असली चेहरे को बिना किसी पॉलिश के ही दिखाया जाता है। मंटो की कहानी एक ऐसे लेखक की है जिसकी शायरी में किसी अनजानी और अंदर के एक झंझोर देने वाली घटना को जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। ऐसे में जरूरी था कि ऐसे लेखक की कहानी को बड़े पर्दे पर लाया जाए। इस फिल्म का निर्देशन नंदिता दास ने किया है। एक निर्देशक के तौर पर उनकी ये दूसरी फिल्म है। उनकी पहली फिल्म फिराक थी जिसने लोगों को प्रभावित किया था, लेकिन मंटो उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरती। मंटो एक बायोपिक है जिसमें अफसाना निगार मंटो की असली कहानी को दिखाया गया है, लेकिन फिल्मों में मंटो के बचपन और उनके करियर के शुरुआती दिनों और उनके परिवार को ही नहीं दिखाया गया। फिल्म देखने के बाद भी आपको मंटो की लाइफ के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता। फिल्म में मंटो को एक लेखक की भूमिका में दिखाया गया है जो मुंबई में फिल्मों से जुड़े हुए हैं। वो एक खुद्दार लेखक हैं जो अपने लिखे हुए पर अड़े रहते हैं। मंटो हिमांशु रॉय के बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मंटो जिस दौर में फिल्मों के लिए लिखते हैं उस दौरान देश की आज़ादी के आंदोलन का आखिरी दौर चल रहा होता है, जिसमें मुस्लिम पाकिस्तान की मांग कर रहा होता है। ऐसे में इस आंदोलन से मुंबई भी अछूता नहीं था, यहाँ भी बहुत दंगे हो रहे थे। एक रोज मंटो के दोस्त श्याम ने उनके मुस्लिम होने पर कुछ ऐसा कहा कि वो कर्म नगरी मुंबई को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला करते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल उत्साही नहीं थे। इसके बाद मंटो की जिंदगी हमेशा के लिए कैसे बदल जाती है के बारे में फिल्म में बताया गया है। बता दें फिल्म का आखिरी कुछ समय आपको बांधे रखने में सफल होता है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। उनके साथ इस फिल्म में जावेद अख्तर, इला अरुण, दिव्या दत्ता, ऋषि कपूर, गुरदास मान, परवेश रावल, शशांक अरोड़ा, रणवीर शौरी और नीरज कबीर जैसे दमदार कलाकार मौजूद हैं। मंटो की कहानी उनकी शायरी की तरह ही है, जिसमें किसी वाक्यों को वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि वो है। ऐसे में कुल मिलाकर फिल्म को एक बार देखना तो बनता ही है। तो इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? आपके इस सवाल का जवाब है मंटो।